आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। विश्व एड्स दिवस के मौके पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। ओमिक्रॉन के मद्देनजर हवाई अड्डों पर आरटीपीसीआर की जांच शुरू। गोला कौड़ीराम मार्ग के दोनों पटरियों पर सिंचाई विभाग की लापरवाही से दुर्घटनाओं को दावत। पिता ने दो बच्चों के साथ किया आत्मदाह। और उर्वरक नगर स्थित खाद कारखाना का काउंटडाउन शुरू, 7 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। और अब सत्य घटना विस्तार। विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शहर के विभिन्न महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रतिभाग किया और जागरूकता को लेकर नारे लगाए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध से इस बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस जागरूकता के लिए आज ये रैली निकाली गई। आज विश्व एड्स दिवस है, इसके जागरूकता के लिए बच्चों के साथ हम लोगों ने रैली निकाली। इसमें एड्स से में भेदभाव जो हो रहा था उसको हटाने के लिए, एड्स से नियंत्रण रखने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए नारा दिया गया है, उसके लिए बच्चों के साथ में रैली निकाली गई, जिससे कि अपने देश से एड्स का सफाया किया जा सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा अमृत महोत्सव के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन एक स्कूल में किया गया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी उपस्थित रहे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष अनुपम सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर की महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य रीना त्रिपाठी, एबीवीपी के महानगर मंत्री प्रशांत त्रिपाठी सहित एबीवीपी के कार्यकर्ता और महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्रीनिवास ने अपने उद्बोधन में कहा कि सप्ताह में एक दिन विद्यालय की छात्र छात्राएं 2 घंटे आसपास के घरों में जाकर हेल्थ, रोजगार, नशा संबंधी सर्वे करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पता करें। मैं आप सबको जागृत करने के लिए आया हूं कि आप ये कर सकते हैं। आज के समय में स्वतंत्र भारत में हमें देश के लिए बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें देश के लिए जीने की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मुझे इस देश ने इतना कुछ दिया है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, मुझे समाज ने इतना कुछ दिया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले लोगों की कोविड जांच तेज हो गई है। बीते 4 दिनों में विदेश से आने वाले 3 दर्जन से अधिक लोगों की आरटीपीसीआर की जांच की गई। सभी लोग गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। राहत की बात यह है कि सभी रिपोर्ट निगेटिव हैं। इस बात की जानकारी सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। विदेश से जितने लोग आ रहे हैं हम उन सबकी डिटेल्स लेकर के और ट्रिपल आईसी से उनको फ़ोन कराएंगे कि उनकी हालत बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और उनको सुझाव देते रहेंगे कि आप सेल्फ क्वारंटाइन में रहें, अगर कहीं से एक्सपोजर उनको होता है तो दूसरों को फैलने ना दें। पूरे प्रदेश में थानों पर चौपाल लगाकर स्थानीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को विभिन्न थानों पर चौपाल लगाई गई। रोस्टर के अनुसार गोला थाने पर आयोजित चौपाल में एसएसपी के आने की सूचना से फरियादियों का जमघट लग गया था, लेकिन जब ये पता चला कि एसएसपी नहीं आएंगे तो फरियादी मायूस होकर घर लौट गए और कुछ ही देर में पूरा पंडाल खाली हो गया। हालांकि पंडाल व कुर्सियों की भरपूर व्यवस्था की गई थी। दूसरी तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा रामगढ़ताल थाने पर पुलिस चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाड़ा ने कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके, यही पुलिस चौपाल का उद्देश्य है। आपको जनपद में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी राजपत्रित अधिकारी अलग अलग थानों पर गए हैं और वहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं।
जो मुकदमे हैं उनके वादियों से बात की जा रही है, जनप्रतिनिधियों से बात की जा रही है, लोकल रिपोर्टर्स, लोकल संप्रांत नागरिकों से बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याएं जानकर उनका समाधान का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो हमारी पुलिस टीम है उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं अधिकारियों के उनको बताया जा रहे हैं और जो उनके द्वारा मुकदमों में कार्यवाही की गई है, प्रार्थना पत्रों की जाँच की गई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। गोला थाना क्षेत्र में गोला कोड़ेराम मुख्य सड़क मार्ग के दोनों पटरियों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा गिट्टी गिराई जा रही है। सड़क पर गिरे इन गिट्टियों के चलते अक्सर राहगीर चोटिल होते रहते हैं। अभी पिछले महीने गोला कोड़ेराम रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय बाड़े पार के पास दो लोग सड़क दुर्घटना में असामयिक काल के गाल में समा गए। लोगों के विरोध पर यहां की गिट्टी अभी किसी तरह हटाई गई थी कि बुधवार को करीब आधा दर्जन ट्रक इसी रोड पर चिल्वा के पास दोनों पटरियों पर गिट्टी गिराना चालू कर दिया, जिसके चलते आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताते चले कि सूबे की सरकार द्वारा लिंक मार्गों का चौड़ीकरण और पिचिंग कार्य करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा गया है, जिसमें ठेकेदारों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क के किनारे दोनों पटरियों पर गिट्टी गिरा दी जा रही है। गिट्टियां सड़क पर फैल जा रही हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस विषय में एडीएम गोला विनय कुमार पांडे ने बताया कि विभाग को एक पत्र लिखा गया है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी सुनौली रोड गोरखपुर, आयुष रेजिडेंसी करजहा गोरखपुर, आयुष स्मार्ट सिटी सोनबरसा गोरखपुर, आयुष ग्लोबल सिटी माड़ापार गोरखपुर, आयुष ग्रीन सिटी परसा जाफर बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से, हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में आ रहे हैं और पिछले 5 सालों में तैयार की जा चुकी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये बताने के लिए उर्वरक नगर स्थित HURL की टीम पूरी तरह से सजग और तैयार दिखी। 3850 मीट्रिक टन नीम कोडेड यूरिया का प्रोडक्शन होने का इस फैक्ट्री से अनुमान है। अब तक इस पर लागत तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए आई है। फैक्ट्री को चालू कराने के लिए तकरीबन 100 इंजीनियर्स की नियुक्ति भी हो चुकी है, जिसमें प्रशिक्षित 6 महिला इंजीनियर्स की भी तैनाती की गई है। फैक्ट्री को चालू करने के लिए सभी पूरी तरह से तैयार और उत्साहित भी हैं। मेरा नाम प्रिया यादव है और मैंने BTech केमिकल इंजीनियरिंग से किया है और यहाँ पे मेरा इंजीनियर पे नियुक्ति हुई है। अमोनिया प्लांट में मैं अभी करंटली पोस्टेड हूँ। जैसे अमोनिया बनाने के लिए ज़रूरत होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जी। तो पहले हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाते हैं, फिर उससे अमोनिया बनाते हैं स्क्रैप से। वो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जैसे लड़कों का काम है, वही हमारा भी काम है। उद्घाटन के लिए तैयारी की घोषणा करते हुए हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर AK गुप्ता ने कहा कि 45 किलोग्राम का एक बोरा, जिसकी बाजार में कीमत 266 रुपए है, 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादित होगा। आपको बता दें कि 22 जुलाई सन 2016 को खाद कारखाने के पुनर्निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इसके लिए CM योगी ने 19 वर्षों की घोर तपस्या भी की है। गोरखपुर का गौरव एक बार पुनः वापस गोरखपुर को दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से, और हमने तो सिर्फ मेहनत करी है, बाकी लगन और सब स्वप्न तो ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का था, तो उन्होंने पूरी तरह से इसमें सहयोग दिया है। खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ प्रथम अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन बुधवार को रीजनल स्टेडियम में किया गया।
प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच ITBP व इंडियन नेवी के बीच खेला गया, जिसमें इंडियन नेवी की टीम विजयी रही। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि योगी सरकार ने हर क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है। आर्मी रेड, आर्गेंस फैक्ट्री, हरियाणा 11, उत्तर प्रदेश आर्मी ग्रीन दिल्ली, SSB, CRPF, KS नैना एकेडमी, ITP इंडियन नेवी जाट रेजिमेंट की टीमें, कुल 12 टीमें देश की 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के सरैया गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां के निवासी मदन कन्नौजिया ने अपने 2 बच्चों के साथ घर में गैस सिलेंडर खोलकर आग लगा ली, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मदन मंद बुद्धि का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि उसकी भाभी घर पर नहीं थी, इस बीच ये घटना हुई। यहाँ पर देखे तो दरवाजा टूटा हुआ था, मर गए। कौन कौन मरा है इसमें? मेरा भाई और मेरे भाई के लड़के। सिंचाई विभाग द्वारा पिछले दिनों तकरीबन 225 अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी, जिसके विरोध में पिछले 35 दिनों से सिंचाई विभाग के कर्मचारी क्रमिक अनशन कर रहे हैं। अभी तक उनकी मांगों पर आला अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है। इस बाबत धरने का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेता शिवानंद श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वे एक बार फिर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। जो इन्होंने अवैध नियुक्तियों की भरमार कर रखी है और उसमें इनके भाई भतीजा नात रिश्तेदार भरे हुए हैं, जो अच्छे पोस्टों तक हो गए, इनको छिपाने के लिए ये महोदय वास्तविक आदमी को जैसे निकाले थे उसी तरह से उनको इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जब माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया हुआ है कि निकाले गए कर्मचारियों और रखे गए कर्मचारियों की वर्ष 1990 से ही प्रथम नियुक्ति तिथि दर्शाते हुए उसको संयुक्त व्यवस्था सूची जारी कर दी जाए और उसको समाचार पत्रों में दिया जाए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोर्ट भी ये जानना चाहती है, शासन प्रशासन ये जानना चाहता है कि कितनी अवैध नियुक्तियाँ गंडक संगठन में की गई हैं। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।